हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द सीओसी वॉरियर गेमिंग यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे हाइब्रिड अटैक स्ट्रेटजी, जो कि टाउन हॉल 11 की बेस्ट अटैक स्ट्रेटजी है, और साथ में ये भी देखेंगे कि हमें इस अटैक स्ट्रेटजी का यूज कैसे करना है और किस तरह के बेसिस पे करना है। और ये मेरा TH11 का पर्सनल फेवरेट अटैक स्ट्रेटजी है, क्योंकि इस अटैक स्ट्रेटजी से मैं लगभग 90% TH11 बेस को इजिली ट्रिपर कर लेता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साइड वाली नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए, जिससे हमारी वीडियो आपके पास पहुंच पाए। वो सबसे पहले बात करते हैं आपके हीरोज किस लेवल के होने चाहिए। अगर आपको हाफ मैक्स TH11 बेस को मानना है तो आपकी किंग क्वीन 40+ होने चाहिए और वार्डन 10+। अगर आपको फुल्ली मैक्स बेस को मानना है तो आपकी किंग क्वीन 45+ और वार्डन 15+ होने चाहिए। अब हम चलते हैं आर्मी कंपोजिशन की तरफ। जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, ये हाइब्रिड अटैक की बेस अटैक स्ट्रेटजी है। आप बेसिस के हिसाब से इसमें फनलिंग ट्रूप्स और स्पेल को चेंज कर सकते हैं। अगर बेस लेआउट में इन्फर्नो सिंगल टारगेट पे हैं तो ये अटैक स्ट्रेटजी बेस्ट है, क्योंकि इसमें 4 फ्रीज है जो कि आपकी क्वीन को बचाए रखेगा। अगर इन्फर्नो मल्टी टारगेट पे हैं तो आप वाल ब्रेकर की जगह सुपर वाल ब्रेकर का भी यूज कर सकते हैं, और स्पेल कॉम्बिनेशन में आप 2 फ्रीज को हटा के एक हील या फिर एक रेज का यूज कर सकते हैं बेस के अनुसार। आगे चलते हैं। तो अब आता है आप किस टाइप के बेसिस पे इस अटैक स्ट्रेटजी का यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो आप सभी टाइप के बेसिस पे आप इसका यूज कर सकते हैं। आप इसका यूज वार में भी कर सकते हैं, फार्मिंग के लिए भी कर सकते हैं, अगर आप पुशिंग करते हैं तब भी इसका यूज कर सकते हैं। तो अब जो लास्ट आता है, आपको इस आर्मी का यूज कैसे करना है। आपको सबसे पहले क्वीन 4 से अटैक को स्टार्ट करना है, और आपको क्वीन 4 से इनमी का ईगल और इनमी का सीसी डाउन करना है। अगर आपको ईगल नहीं मिल रहा है तो आप ईगल की जगह इन्फर्नो एक्सबो या विजार्ड टावर की तरफ जा सकते हैं, लेकिन इनमी का सीसी कंपलसरी है, क्योंकि इनमें के सीसी हाइब्रिड को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, इसलिए हमें उसको क्वीन 4 से ही टेक डाउन करना होता है। जैसे ही आपकी क्वीन इनमी की सीसी और डिफेंसेस को डाउन कर लेती है, आपको सीज बैरक और किंग को डिप्लॉय कर देना है। आपको उस साइड के कॉर्नर में किंग और एसबी को डिप्लॉय करना है जिस साइड में आपकी क्वीन जा रही हो। जैसे ही एसबी और किंग फनल बना ले, आपको क्वीन और एसबी के बीच से सारे के सारे माइनर्स और हॉक्स को डिप्लॉय कर देने हैं, और साथ में आपको वार्डन भी डिप्लॉय कर देना है जो कि ग्राउंड पे होना चाहिए। मैंने आपको अटैक के रिलेटेड सारी चीजें बता दी। अब हम चलते हैं लाइव अटैक की तरफ, जहां मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे फनल क्रिएट करना है और आपको कैसे स्पेल को डिप्लॉय करना है, जिससे आप इजीली 3-स्टार कर सकें किसी भी बेस को, और साथ में आपको सिंगल मल्टी टारगेट इन्फर्नो को टैकल करना बताऊंगा। तो सबसे पहले हम मल्टी टारगेट वाले बेस पे करेंगे। इसके लिए हमने 3 हील स्पेल का यूज किया है। अगर मल्टी टारगेट इन्फर्नो है तो आप भी 3 हील स्पेल का यूज करिए, क्योंकि मल्टी टारगेट इन्फर्नो हमारे माइनर्स और हॉक्स को बहुत जल्दी ले रोस्ट करता है, इसलिए हमें 3 हील स्पेल की जरूरत पड़ती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आपको ईगल मिल रहा है इजिली तो सबसे पहले आप ईगल को डाउन कर लीजिए, क्योंकि ईगल सबसे ज़्यादा स्प्लैश डैमेज देता है, जो कि हमारे माइनस हॉक्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसलिए हम सबसे पहले ईगल को डाउन करेंगे। आपको फनल क्रिएट करने के लिए बेबी ड्रैगन का यूज कर देना है दोनों साइड से, राइट एंड लेफ्ट, और हीलर्स के पीछे आपको एक कोको लून छोड़ देना है, जिससे कि वो एयर माइंस हो तो उसको ट्रिगर कर ले। और वाल ब्रेकर यूज करने से पहले आपको एक टेस्टिंग के लिए वाल ब्रेकर यूज कर लेना है, जो कि मैंने यहाँ नहीं किया। अगर वहाँ छोटा बॉम्ब होता तो उससे हमारे सारे के सारे वाल ब्रेकर्स डाउन हो जाते हैं और हमें दोबारा वाल ब्रेकर्स यूज करने पड़ते हैं। फाइनली हमारी क्वीन अंदर जा चुकी है, अब ईगल को इजीली डाउन कर लेगी। आपको क्वीन के ऊपर रेज का यूज तब करना है जब आपको लगे कि क्वीन के ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी डैमेज हो रहा है। इस बेस में इनमी का सीसी निकला नहीं, इसलिए हमने पॉइजन का यूज़ नहीं किया। अगर आप वार में अटैक कर रहे हैं तो आप पॉइजन का यूज करके इनमी के सीसी को जल्दी से जल्दी डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद तुरंत आप अटैक को स्टार्ट कर सकते हैं। आपको क्वीन चार्ज करते समय आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि आपका समय ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट न हो। आपके अपने हॉक्स और माइनस को कम से कम 1.5 मिनट देना होगा, जिससे कि वो बेस को जल्दी से जल्दी क्लियर कर पाए। तो जैसा कि हमारी क्वीन राइट साइड में जा रही थी, इसलिए हमने राइट साइड के कॉर्नर से एसबी और किंग को ड्रॉप कर दिया, जिससे कि वो उस साइड का फनल क्रिएट कर दें। और फनल जैसे ही क्रिएट हुआ, हमने सारे के सारे हॉक्स और माइनस को डिप्लॉय कर दिया क्वीन और एसबी के बीच से, ताकि सारे के सारे माइनर्स और हॉक्स बेस के अंदर ही रहें, बेस के बाहर ना जाएं, क्योंकि अगर बेस के बाहर आपके हॉक्स और माइनर्स चले गए तो टाइम फेल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, आपको एसबी और क्वीन के बीच से ही
आपको सारे के सारे हॉक्स और माइनर्स को डिप्लॉय करने हैं, और आपको हील स्पेल का यूज तब करना है जब आपको लगे कि आपके ट्रूप्स ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं, और वार्डन की एबिलिटी तब यूज करनी है जब या तो गेंट बम या फिर बिजार टावर बहुत ज़्यादा आपके हॉक्स और माइनर्स को परेशान करें, तब आपको वार्डन की एबिलिटी यूज करनी है। अभी हमारे पास दो हील स्पेल हैं। अब हम लास्ट हील स्पेल का यूज इन्फर्नो टावर पे किया क्योंकि इन्फर्नो टावर बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहा था हमारे हॉक्स और माइनर्स को, इसलिए हमने इन्फर्नो टावर पे हील दे दिया और इजीली ये बेस 3 स्टार हो गया, और हमने 7 हाउसिंग स्पेस स्पेल का स्वैग कर दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अटैक की तरफ। इसमें हम सिंगल टारगेट बेस पे अटैक करेंगे, इसलिए हमने 3 फ्रीज स्पेल का यूज किया जिससे हमारी क्वीन ज़्यादा से ज़्यादा देर तक अलाइव रह पाए। जैसा कि मैंने बताया था, अगर आपको ईगल मिल रहा है तो आपको ईगल वाले साइड से ही अटैक करना है, तो इसलिए इस बेस पे हमको ईगल मिल रहा था, इसलिए हमने अटैक 12 o'clock से स्टार्ट किया जिससे हमारी क्वीन ईजिली ईगल को टेक डाउन कर ले। और इस अटैक स्ट्रेटजी में आपको फनल क्रिएट करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि फनल अगर अच्छे से क्रिएट नहीं होगा तो आपकी क्वीन बाहर की साइड भटक जाएगी। जैसे कि इस बेस में देख रहे हैं, हमारा बेबी ड्रैगन जल्दी मर गया जिससे अच्छे से फनल क्रिएट नहीं हुआ। अब लगता है हमारी क्वीन बेस के अंदर नहीं जाएगी, वो देखते हैं आगे क्या होता है। हमने 2 हॉक्स का यूज विजार्ड टावर पे कर लिया ताकि ये जल्दी से जल्दी हॉक्स विजार्ड टावर को डाउन कर ले और क्वीन कैनन के ऊपर जाए, लेकिन क्वीन जाती नहीं है कैनन के ऊपर, इसलिए हमने फिर से वॉल ब्रेकर का यूज कर लिया। अब हमारी क्वीन इजीली अंदर चली जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंसेस को डाउन कर लेगी। एयर डिफेंस हमारे हीलर्स को टारगेट कर रहा था, इसलिए हमने उस पर फ्रीज स्पेल का यूज कर दिया और रेज यूज कर दिया ताकि जल्दी से जल्दी एयर डिफेंस को डाउन कर, एंड फाइनली हमारी क्वीन ईगल को टारगेट कर ली और ईगल को अब इजीली डाउन कर लेगी। लगता है इस बेस में भी इनमी के पास सीसी नहीं था, इनमी का सिंगल टारगेट हमारी क्वीन को टारगेट कर रहा है, इसलिए हम उस पर फ्रीज स्पेल का यूज करेंगे ताकि हमारी क्वीन की एबिलिटी बची रहे। अब हमारी क्वीन इजीली उसको डाउन कर लेगी, और जैसा कि मैंने बताया था, हमारी क्वीन जिस साइड पर जाए उस साइड के कॉर्नर से आपको एसबी और किंग को ड्रॉप कर देना है, उसके साथ साथ माइनर्स और हॉगिंग उन दोनों के बीच से स्टार्ट कर देनी है। तो अब हमारे सारे के सारे माइनर्स और हॉक्स बेस के अंदर चले जा चुके हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। अब जैसे उन पर डैमेज पड़े हमें तुरंत हील स्पेल का यूज कर देना है। यहाँ 2 विजार्ड टावर है जो कि बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहे थे, इसलिए वहाँ हमने हील स्पेल का यूज कर दिया ताकि हमारे हॉक्स ज़्यादा से ज़्यादा जिंदा रहें और ज़्यादा देर तक जिंदा रहें। अब हमारा वार्डन सभी के साथ आ चुका है, तो हम थोड़ी देर में वार्डन की एबिलिटी यूज करेंगे क्योंकि उन सभी पर बहुत ज़्यादा हैवी डैमेज हो रहा था। जैसे जैसे आपको सभी ट्रुप्सों की हेल्थ लो दिखे, आपको हील स्पेल यूज करते रहना है, और अगर आपके फ्रीज बच जाए तो फ्रीज का यूज आप विजार्ड टावर पे कर सकते हैं या फिर वॉर्म टावर पे, जो कि स्प्लैश डैमेज का काम करते हैं। ये बेस हो चुका है इजीली ट्रिपल। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए जिससे उनकी भी हेल्प हो सके ये अटैक स्ट्रेटजी सीखने में। नेक्स्ट एक और अटैक रिप्ले है, अगर आप देखना चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो बाय गाइस, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. My weight and glee. I live inside.
inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities.